कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से अधिकतर लोग घर से ही काम कर रहे हैं। ऐसे में कई बार लैपटॉप ज़्यादा इस्तेमाल करने से ओवरहीट हो जाता है, जिससे यह ख़राब हो सकता है। लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप लैपटॉप को ओवरहीट होने से बचा सकते हैं। आज हम यहाँ पर उन बातों के बारे में बताएंगे जिससे आप अपने लैपटॉप को गर्म होने से बचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे लैपटॉप को ठंडा रखें। पहला, सीपीयू फैन खराब होने की स्थिति में लैपटॉप का उपयोग न करें। कभी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पोंछने के लिए गीले कपड़े का प्रयोग न करें। यदि लैपटॉप या सीपीयू फैन काम नहीं कर रहे हैं तो ध्यान में रखिए उसको अधिक समय तक प्रयोग न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो उसमें ओवरहीटिंग की समस्या आ सकती है। दूसरा, कूलिंग किट है बेहतर ऑप्शन। यदि लैपटॉप पुराना हो गया है तो ज़्यादा देर तक उसका इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे लैपटॉप जल्दी गर्म हो सकता है। ऐसे में अतिरिक्त कूलिंग किट बेहतर विकल्प है। लैपटॉप फ़ैन को हमेशा लैपटॉप की बनावट के हिसाब से ही खरीदें। यदि कूलिंग किट के बाद भी बैटरी गर्म हो रही है तो बैटरी को बदल दें। लैपटॉप में बार बार चार्ज लगाने से भी ओवरहीटिंग की समस्या हो जाती है। तीसरा, लैपटॉप को फ्लैट सरफेस पर रखें। अधिकतर लैपटॉप कूलिंग के लिए नीचे से एयर लेते हैं। ऐसे में यदि आप लैपटॉप को किसी तकिए या कंबल पर रखते हैं तो लैपटॉप में सही तरीके से एयर वेंटिलेशन नहीं हो पाता है। लैपटॉप को किसी फ्लैट सरफेस पर रखा जाए तो उसके ओवरहीट होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। कूलिंग किट के साथ कूलिंग मैट पर लैपटॉप को रखकर काम करने से भी यह समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। यदि आप कूलिंग मैट नहीं लेना चाहते हैं तो लैपटॉप को किसी हार्ड सरफेस पर रखकर ही प्रयोग करें। यदि आप बेड पर लैपटॉप चलाते हैं तो इसके नीचे कोई किताब या लकड़ी का चौकोर टुकड़ा रख लें, जिससे सीपीयू के फैन को पर्याप्त हवा मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी काम की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।